नमस्कार प्रिय किसान साथियों, बंतिका टेक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, सबसे पहले हम बता दें कि इस साल की कॉटन यानी कपास की उन्नत किस्मों की वीडियो चैनल पर आ चुकी है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, वो एक बार जाकर जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको कपास की उन उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे जो किसान साथी हल्की जमीन यानी कि रेतीली मिट्टी, जहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता या सिंचाई की सुविधा किसान साथियों के पास कम है, वो किसान साथी कौन कौन सी वैरायटी यूज़ कर सकते हैं ताकि किसान साथियों को एक अच्छा उत्पादन मिल सके। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कृषि से जुड़ी और कपास से जुड़ी अनेक प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, हमारी सबसे पहली वैरायटी है जो किसान साथी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादातर किसान साथी इस वैरायटी को जानते भी हैं। कोई ही ऐसा किसान होगा जो इस वैरायटी को नहीं जानता है। उस वैरायटी का नाम है किसान साथियों राशि सीड्स की 650। ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाली वैरायटी है जो किसान खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर किसान साथी लगाते हैं। खासतौर पर वो किसान साथी लगाते हैं जिनके यहाँ पर पानी की सुविधा कम है, ज़मीन हल्की है और साथ साथ में जिन किसान साथियों के यहाँ पर रेतीली मिट्टी भी ज़्यादातर देखने को मिलती है, वो किसान साथी इस वैरायटी का ज़्यादा उपयोग करते हैं। इस वैरायटी का ज़्यादा उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इस वैरायटी का जो टिंडा है उसका साइज बड़ा होता है, साथ में इसके अंदर जो फाल है वो भी एक मध्यम फाल देखने को मिलता है और जो टिंडा खिलने के बाद जो कपास निकलती है उसका जो वजन है वो भी काफ़ी हद तक 3 से 5 ग्राम तक आराम से किसान साथियों को मिल जाता है। इसकी और एक खास बात है कि जो इसका पेड़ होता है यानी कि जो पौधा है वो जो उसका फुटाव है वो भी एक अच्छा देखने को किसान साथियों को मिलता है। हल्की मिट्टी के लिए ये वैरायटी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ये वैरायटी की हम समय अवधि की बात करें तो किसान साथियों ये वाली वैरायटी 150 से 160 दिन तक का समय आराम से ले लेती है। इस वैरायटी के अंदर जो रस चूसक कीट है या अनेक प्रकार के पत्ता मोड़क है वो इस वैरायटी के अंदर देखने को भी कम मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मई महीने के अंदर किसान साथी इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं और इसका उत्पादन किसान साथियों 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगली वैरायटी है किसान साथियों कावेरी सीड्स की 999। यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है जो हमने चुनकर निकाली है ताकि किसान साथियों को एक अच्छी वैरायटी मिल सके जो कि RCH 650 के अलावा। किसान साथियों, इस वैरायटी के अंदर खास बात क्या है आपको एक एक करके बताते हैं। इस वैरायटी के अंदर जो कीट लगता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। हल्की जमीन के लिए भी और रेतीली मिट्टी और कम पानी के लिए जो किसान साथी वैरायटी देख रहे हैं वो इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इस वैरायटी की एक और चीज है कि ये वैरायटी वो किसान साथी यूज कर सकते हैं जिनको अप्रैल और मई के अंदर किसान साथी इसकी बुआई कर सकते हैं। असिंचित क्षेत्र के लिए यानी कि कुछ एरिया जहां पर टोटली ही बारिश के ऊपर डिपेंड होता है, उस क्षेत्र के अंदर भी किसान साथी इसकी बुआई कर सकते हैं। इसका जो भोवा है यानी कि जो चुनाई के समय पर हम जो कपास है वो इसमें किसान साथी हल्के हाथ से भी अगर खींचेंगे तो भी बाहर निकल कर किसान साथी आ सकते हैं, यानी कि चुनाई में भी ये वैरायटी बहुत अच्छा है। इसके अंदर भी कीट और रोग कम देखने को मिलते हैं। बात करें इसके अगर टिंडे की साइज की तो किसान साथियों इसका जो टिंडा है वो मीडियम से लार्ज बॉल साइज में आता है, यानी कि जैसे राशि का बड़ा टिंडा होता है वैसे ही इस वैरायटी का भी जो टिंडा है वो भी थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। ये वैरायटी किसान साथी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में हल्की मिट्टी वाले क्षेत्र में किसान साथी इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करें किसान साथियों इसके अगर समय अवधि की, समय अवधि इसके अंदर और राशि के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी 150 से 160 दिन तक का समय लेती है। लेकिन थोड़ा सा इस वैरायटी का जो उत्पादन है उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है, यानी कि ये वैरायटी 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन दे देती है, यानी कि राशि के मुकाबले इस वैरायटी का उत्पादन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। जो किसान साथी अपने खेत में हाथ से बुआई करते हैं यानी कि जो किसान साथी हाथ से कपास का बीज लगाने वाले हैं उन किसान साथियों के लिए एक पैकेट वैरायटी का पर्याप्त रहेगा। हाँ, जो किसान साथी मशीन से बिजाई करते हैं या किसी और चीज़ से बिजाई की कोई सुविधा उनके पास है उससे करते हैं तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1.5 से 2 पैकेट तो भी प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसी वैरायटी है जो एक अच्छा उत्पादन आपको देती है
तो आप इसका हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि दूसरे किसान साथियों को भी उस वैरायटी के बारे में पता चल सके और आसानी से वो किसान साथी को उपलब्ध भी हो जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है किसान साथियों हर वैरायटी हर क्षेत्र के अंदर इजीली अवेलेबल हो पाए, इसलिए आपके क्षेत्र के अंदर जो भी अच्छी वैरायटी है उसका आप कमेंट करके दूसरे किसान साथियों तक ये जानकारी पहुँचाने में हमारी हेल्प करें। वीडियो पसंद आए तो किसान साथियों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।